किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, हमें सॉइल के अंदर, अपनी भूमि के अंदर बहुत सारे जो हानिकारक इंसेक्ट हैं, पेस्ट है, उनकी समस्या देखने को मिलती है, जो हमारी फसलों को, की जड़ों को डैमेज करते हैं या हमारे जो प्लांट होता है छोटा, उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सस्ते टेक्निकल के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे किसी भी भूमिगत इंसेक्ट यानी कि सॉइल में जो भी हानिकारक कीट होते हैं उनको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के लीथल इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसका उपयोग कैसे करें, कौन कौन से भूमिगत कीटों को कंट्रोल करता है और क्यों हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्या डोज रखनी चाहिए, क्या इसकी कीमत होती है, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो लीथल इंसेक्टिसाइड आता है, लीथल ब्रांड नाम के नाम से, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोपोरीफॉस 20% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो देखिए, इसका हम ज़्यादातर सॉइल में ही उपयोग करते हैं। आप सॉइल के में जो आप पानी देते हैं, पानी के साथ इसको चला सकते हैं, ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं, तो उसी में हम ज़्यादा यूज करते हैं इसका। और ये बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम इसको सॉइल में चला सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कीटों को कंट्रोल करता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से कीटों को कंट्रोल कर सकता है, देखिए, जो किसान भाई टर्माइट यानी कि दीमक को एक समस्या मानते हैं, तो दीमक को ये बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर देता है। हालांकि मैं दीमक को एक समस्या नहीं मानता हूँ। उसके साथ साथ व्हाइट ग्रब यानी कि जो व्हाइट ग्रब की समस्या है कि वो क्या करता है कि जो छोटे पौधे होते हैं हमारी नर्सरी स्टेज में, जब हम या उनकी नर्सरी की प्लांटिंग करते हैं, तो पौधे को तने से के पास से काट करके गिरा देता है, तो पूरा पौधे को वो काट करके गिरा देता है। तो जो व्हाइट ग्रब है, इस तरीके से उसका अटैक देखने को मिलता है। तो ये व्हाइट ग्रब को भी बहुत इफेक्टिव तरीके से हमारी सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए, रूट मैगोट्स की समस्या भी हमें अपने सॉइल के अंदर देखने को मिलती है। रूट मैगोट क्या करते हैं, लार्वा होता है वाइट कलर का, जो हमारी फसलों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाता है, उसके तने में घुस करके उसको डैमेज कर देता है, जिससे हमारे फसल सूखने लगती है, फसल मुरझा जाती है, पौधा गिर जाता है। या आपने जो अभी मूली की फसल लगाई है, तो मूली की फसल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि जो वाइट ग्रब होता है उसका जो लार्वा होता है मूली को चारों तरफ से खा करके डैमेज कर देता है, जिससे जो मूली की क्वालिटी है वो डैमेज हो जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके की मूली देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा मूली की फसल में आ रहा है। तो इसको भी आप इफेक्टिव तरीके से इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल में चला करके। उसके साथ साथ गाजर में देखने को मिलती है, बीट रूट में देखने को मिल सकती है, सलजम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इन किसी भी फसल में भूमिगत इंसेक्ट को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। उसके लिए आपको इसको सॉइल में चलाना होता है, पानी के साथ चला सकते हैं, ड्रिंच कर सकते हैं। पानी के साथ चलाएंगे तो अच्छे से पूरे फील्ड में फैल करके और जो इंसेक्ट होगा उसको अच्छे से कंट्रोल ये कर देगा। आपको इसकी डोज क्या रखनी होती है, तो डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है 500 से लेके लगभग 1 लीटर मात्रा तक आप इसको चला सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। यानी कि 1 एकड़ का खेत है तो उसकी में 500 ml से लेके 1 लीटर मात्रा इसकी आप चला देते हैं तो अच्छे से कीटों को, जो वाइट ग्रब है, टर्माइट है, उसको भी ख़त्म कर देगा, वाइट ग्रब को भी ख़त्म कर देगा, रूट मैगोट्स को ख़त्म कर देगा और भी जो भी हानिकारक पेस्ट है, इंसेक्ट है, सबको ख़त्म कर देगा हमारी सॉइल के अंदर। और देखिए, ये बहुत लंबे समय तक सॉइल में पड़ा रहता है, ये 2 से 3 महीने तक ये इस सॉइल में पड़ा रहता है, जिससे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये हमारे जो टर्माइट है या उस रूट मैगोट्स हैं या वाइट ग्रब है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी जो 1 लीटर पैकिंग की कीमत है वो लगभग आपको 350 से 400 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो ये सस्ता भी हमें पड़ता है और सॉइल के अंदर यदि आप इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये कंट्रोल कर देता है। तो उम्मीद है किसान भाई, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।